हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज 17 फरवरी और अभी बज रहा है 9:30, पर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ अपना थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है वो किया है और चाय पिया है। और चाय भी आज मेरा वाला चाय नहीं, क्योंकि नींबू खत्म हो चुका था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कल एक जब बना रही थी तब याद था, लेकिन बाद में भूल गई, वरना मैं कल बाजार करने गई भी थी, तो इसीलिए मुझे ग्रीन टी पीना, ग्रीन टी विदाउट लेमन मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा पिया जस्ट नाम के वास्ते। जो भी हो फ्रेंड्स, आज क्या बोलूँ। ओ हाँ, अब पहले तो बोल देती हूँ, अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है, मेरा भी मन खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे गर्मी का मौसम एकदम पसंद नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बोला है, जितना भी कड़क ठंडा हो मुझे अच्छा लगता है। काम करने में नो डाउट प्रॉब्लम है, पानी से एकदम उंगली ऐसा जम जाता है, फिर भी चलेगा, लेकिन गर्मी मुझे एकदम पसंद नहीं है। लेकिन ये तो अपने हाथ पे है नहीं, जो भी हो। तो अभी तो खाना बनाना है और ओ हाँ, हस्बैंड नहीं है घर में, वो ऑफिशियल टूर पे गए हैं, कल परसों गए थे, आज रात को आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी खाना बना लेती हूँ, बाद में मैं नहा के पूजा करूंगी, क्योंकि आज थर्सडे है, पूजा में भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि थर्सडे के दिन ना हम लोग थोड़ा बर्तन साफ करते हैं, पूजा घर थोड़ा क्लीन करते हैं, तो इसलिए मुझे पूजा करने में थर्सडे को थोड़ा टाइम लगेगा, घर भी पोछा लगाना है आज, तो मैंने सोचा इसलिए पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहा के पूजा करूंगी और थोड़ा सा कपड़ा भी धोना है। और आज मैंने ब्लॉग शाम को सोच रही थी शुरू करूंगी, क्योंकि शाम को शुरू करने का एक रीजन है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, वैसे भी मुझे बहुत बोर, अकेले अकेले बात करने को भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ब्लॉग सुबह से ही कर लेती हूँ। शाम को इसलिए करूंगी सोचा था क्योंकि आज शाम को मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। फ्रेंड्स मतलब 3 फ्रेंड आएगी, उनमें से 2 को आपने पहले देखा है और 1 कोलकाता में रहती है, वो अभी यहाँ पे अपने मायके में आई है, वो आएगी, क्योंकि उन लोग का शायद वो लोग 20 तारीख को जा भी रहे हैं, इसलिए जाने का टाइम, बहुत दिन से ही हम लोग का प्लान हो रहा है मिलने का, लेकिन किसी ना किसी का टाइमिंग्स में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है बोल के मिल नहीं पा रहे थे। तो आज जाके अभी तक का फाइनल तो है, अभी तक किसी ने मुझे फोन करके कैंसिल भी नहीं किया, देखती हूँ, पता नहीं फटक से कोई कैंसिल कर देगा, किसी का कोई काम आ जाता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है, लेकिन आज तो शायद मिलेंगे हम लोग तीनों। ओ हाँ, तो शाम को ब्लॉग इसलिए फ्रेंड्स आएंगे, उन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो कोलकाता में फ्रेंड रहती है उसकी जो बेटी है, जोई है उसका नाम, वो मतलब क्या बोलूँ, मेरी कोई ब्लॉग वो मिस नहीं करती है और मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी मम्मी शायद इतना मेरी ब्लॉग देखती नहीं है क्योंकि बिजी रहती है, और देखती होगी, मैं तो उसको ऐसे बोलती हूँ, लेकिन उसकी बेटी कोई ब्लॉग मिस नहीं करती है। परसों मैंने फोन पे बात किया था तो वो मुझे पूछ रही थी, आंटी आपने नया कोई ब्लॉग नहीं डाला? एक्चुअली मैंने 12 फरवरी को जो ब्लॉग डाला था, 12 फरवरी को जो ब्लॉग बनाया था उसके बाद और ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने बोला नहीं बेटा, मैंने तो और कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो बातों बातों में मुझे बोल रही है, आंटी मैं जिस दिन आपके घर आऊंगी आप मुझे ब्लॉग में लोगी ना? तो मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर लूंगी, हाँ पहले तुम्हारे मम्मी से मैं पूछ लूंगी, क्योंकि ऐसे किसी के परमिशन के बगैर तो मैं लूंगी नहीं। तो वो मुझे बोले नहीं मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ब्लॉग में लेना। तो मुझे ऐसे ही बनाना था, बच्ची का मन तो मुझे रखना ही था, और वो है भी बहुत प्यारी और मुझे करती भी है, पता नहीं, उसकी मम्मी तो बोलती है तेरी बहुत बड़ी फैन है वो, पता नहीं क्यों, जो भी हो, तो उसके लिए तो मुझे ब्लॉग बनाना ही था, तो सोचा कि सुबह से ही शुरू कर दूं। और खाने में आज वैसा इतना कुछ बनाऊंगी नहीं, आलू गोभी का एक सिंपल सा सब्जी होगा, नो डाउट, वो एकदम पूरा वेज, प्योर वेज, और एक करी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं वो जो आलू गोभी का सब्जी बनाऊंगी ना, वो मेरी मम्मी नानी जैसे बनाती थी वैसे बनाऊंगी। मैं रेसिपी शेयर शायद पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, करूंगी भी नहीं शायद, लेकिन उसमें ना हम लोग वो डालते हैं, ये वाला सब्जी में, आलू गोभी के सब्जी में वो जो जोहा राइस होता है ना, एक वो राइस को थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सब्जी को जब हम लोग पकाते हैं तब वो थोड़ा सा चावल भी डाल देते हैं, वो पूरा डिफरेंट होता है टेस्ट में, और गरम मसाला ये सब देखे, प्योर वेज इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो एक सब्जी बनाऊंगी, बहुत दिन से मुझे मन कर रहा था खाने को, ऊपर से कल मम्मी ने मुझे फोन पे बोल दिया कि मम्मी ने बनाया सुन के, तो मेरा और भी खाने को मन कर रहा था, तो वो वाला बनाऊंगी और एक करी बनाऊंगी बस, और
ब्रेकफास्ट में तो फिलहाल कुछ इतना कुछ फील नहीं हो रहा है खाने को, बाद में जब लगेगा भूख देखा जाएगा। तो आप लोगों ने रहिए मेरे साथ और शाम को जोई आएगी तो जोई से तो मैं जरूर मिलवाऊंगी आप लोगों से। यहाँ पे मैं आलू को थोड़ा फ्राई कर दे रही हूँ और गोभी को नमक और हल्दी में डीप करके रखा है। एक सिंपल सा गोभी आलू का सब्जी बनाऊंगी और एक करी बनाऊंगी। ये है जोहा राइस देके जो गोभी का सब्जी, और इसमें मैं अभी थोड़ा सा घी डाल दूंगी, लेकिन घी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अभी तो कोई मेरा नया घर पहचानता नहीं है, इसीलिए मुझे नीचे जाके सबको रिसीव करना पड़ता है आजकल। ये दोनों पहले आए हैं, वो बाद में आएगी। अभी ये भी आ गई है। ये रही जोई, मैं जिसके बारे में आपको सुबह बोल रही थी, है ना जोई? और ये मेरी सब वीडियोस देखती है। कैसा लगता है तुमको आंटी का वीडियो? मैं सुबह बता रही थी, पता है आज जोई बना रही है ये सब, इसको बहुत पसंद है। मुझे बोल रही है आंटी मैं आपको हेल्प कर दूं। मेरे को हेल्प करना बहुत पसंद है। हाँ जोई, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है बेटा, अगर तुम्हारा हाथ में लग जाएगा तो। नहीं लगेगा आंटी, नहीं मैं घर में ये सब बनाती हूँ। अच्छा नहीं, ये भी बनाती हूँ और यूट्यूब में जो वीडियोस देता है ना वो भी बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोग प्लीज मत सोचिएगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये गुड़िया मेरे पीछे पीछे घूम रही है और मुझे बार बार बोल रही है मैं लेके जाओ, मैं आपको हेल्प करूंगी आंटी। तो बच्चे जिसमें खुश। मेरा किचन में कहाँ मन लग रहा है, ये लोग बातें कर रहे हंस रहे, मेरा तो मन लगेगा ही नहीं किचन में, इसलिए मैं भी फटाफट से आ गई। बालकनी पर बहुत अच्छा अच्छा प्लांट्स है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा ये वाला प्लांट्स और क्या अच्छा। गाइस मेरे कॉफी देखिए, मैं बहुत ज्यादा खा चुकी हूँ कॉफी और आंटी ना बहुत अच्छा कॉफी बनाती है। सच बोलूं मुझे पता ही नहीं है, हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे और ये कैमरा लेके इधर आई और गाना गा रही थी, मुझे बहुत प्यारा लगा इसके मैंने ऐड कर दिया। मैं आज एक गाना गा रही हूँ, ये वाला आप प्लीज ये वाला अल्लाह का आवाज बंद कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक गाना गा रही हूँ, वो है मैंने क्या मांगे इसे ये तुम्हारे घर बहुत कर जो ना मैंने के मगे हिते मुदु नूरा है गुमियावी अगले दिन नहीं है नुम्बे नगे मगन नया में हाँ यावी सी वेवी माँ हितलंग मदरसना गुरु प्रेम कपे चलना रुनारी मन होई सुखमाली में बैठंबा हितलंग मदरसना गुरु प्रेम कपे चलना रुनारी मन हारी सुखमाली में बैठंबा मैंने के मगे हिते एक जोने छोविया के एक मने ओए मोट अरे जोने गोशे गोशे रम्मा के ओए मोट छी छोवी कर नष्ट कर कुंजनाम कुंजनाम छी छोवी कर नष्ट कर कुंजनाम कुंजनाम तुम्हार घरे बसत करे तुम्हार घरे बसत करे कोई जना सो गाइस अभी हम लोग चले जा रहे हैं, हम लोग
का घर और बहुत मजा हुआ। आंटी का घर में अगर आओगे ना तब लोगों को बहुत मजा आएगा, तो आ जाना प्लीज आंटी का घर। तो या चलिए गाइस बाय बाय। और एक बार लास्ट टाइम मैं जाने का टाइम बोल रही हूँ, प्लीज आंटी का चैनल में अगर न्यू हो तो अगर आप लोग वॉच करके भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोगों सब प्लीज सब्सक्राइब कर दो आंटी का चैनल पर, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और हाँ मेरे को भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। बच्चे सच में मन के कितने सच्चे होते हैं ना। हम लोग बड़े ही सोचते हैं इनके घर गए ऐसा नहीं करेंगे, खराब हो जाएगा, वो लोग बुरा मन जाएंगे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं, इतनी घुल मिल गई है जैसे कि वो इतनी बार आ चुकी है मेरी। और इसको ब्लॉग बनाने का इतना शौक है, खुद से मोबाइल लेके ये सब वीडियोज बना रही है, इसलिए मैंने उसका वीडियो कोई भी स्किप नहीं किया, सब डाल दिया। जो भी हो फ्रेंड्स, ये लोग भी जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, और मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ आज के लिए। फिर मिलूंगी और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।